आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल सा है। अक्सर हमारी एवरीडे लाइफ में जो है ये कहीं ना कहीं जो है वो सुनने को मिल रहा होता है, जो कि है एंगर और रैथ। गाइस, एंगर को अगर हम डिक्शनरी में देखें तो हमें मीनिंग मिलेगा गुस्सा, रैथ का मीनिंग भी हमें गुस्सा मिलेगा। गाइस, इन दोनों में क्या फर्क है, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। गाइस, एंगर जो होता है वो नॉर्मल होता है। हम अपनी एवरीडे लाइफ में जो है अक्सर जो है किसी ना किसी छोटी छोटी बातों पर जो है वो गुस्सा करते हैं, ठीक है। नॉर्मल वे में अगर बिहेव करेंगे, ठीक है, तो वो एंगर होगा, ठीक है, जो नॉर्मली एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। कुछ लोग जो है वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से जो है वो अपने गुस्से का इजहार करते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज से इजहार करते हैं, यानी फेशियल एक्सप्रेशन में कुछ लोग जो है वो अपनी आईज से जो है वो बताते हैं कि हम जो है वो गुस्से में हैं, और कुछ लोग इग्नोर करते हैं दूसरे को, जब उनको गुस्सा आता है तो दूसरे से बात नहीं करते, अवॉइड करते हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है। जब आप इस गुस्से को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी सेहत पर नेगेटिव असरात पड़ेंगे। अगर आपने हेल्दी लाइफ गुजारनी है तो आपको एंगर को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप जो हैं क्या अपने लिए खुद ही मिसाइल क्रिएट करेंगे। अगर ये एंगर भर जाता है तो उसको हम रैथ बोलेंगे, जिसको हम बोलते हैं शदीद गुस्सा, ठीक है। गाइस, जो वर्ड रैथ होता है इसका मतलब होता है शदीद गुस्सा। ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एंगर है विच इज डिस्ट्रक्टिव। इसमें होता ये है कि कोई भी फर्ड जिसको गुस्सा शदीद आता है वो चीजों को ब्रेक करता है, चीजों को तोड़ता फोड़ता है। यानी अगर उसके पास सामने अगर जो है वो डिफरेंट चीजें हैं, कोई कॉस्मेटिक्स पड़ी है, कोई भी चीज पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो उसको ब्रेक कर देगा, फेंकेगा, तोड़ेगा, ठीक है, दीवार पे मारेगा, मतलब मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो अपने गुस्से का इजहार करता है, ठीक है। ऐसा बिहेवियर जो है वो अनएक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। ऐसा शख्स जो है अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता जब तक वो चीजों को तोड़ फोड़ ना ले, रिवेंज ना ले ले उस शख्स से जिस पर उसको गुस्सा होता है, तब तक उसको सुकून नहीं मिलता, ठीक है। ऐसा फर्द दूसरों को नुकसान पहुंचाते हुए भी नहीं रह सकता, ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि अपने गुस्से को कंट्रोल करें। अगर आपको गुस्सा आता है तो कोशिश करें कि आप जो है वो सेपरेट हो जाएं, ठीक है, अपने आप को जो है वो आइसोलेट थोड़ी देर के लिए कर लें और बैठ के आप जो है वो पानी पिएं, सुकून में आ जाए, ताकि आपका गुस्सा जो है वो खत्म हो सके। आई होप कि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दें और शेयर भी कर दें।